हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल गुरुदेव वीडियो। तो गाइस, आज के वीडियो पे यहाँ पर मैं विराट कोहली का जो ड्राइंग है इस वाले का जो है पार्ट थ्री जो है फुल ट्यूटोरियल लेके चला आया हूँ। ठीक है, आज के वीडियो में मैं जो है इसको जो है कंप्लीट करूंगा। इसके जो पार्ट वन और पार्ट टू था, पार्ट वन में मैंने जो है आउटलाइन ट्यूटोरियल दिखाया था विराट कोहली का, और पार्ट टू में जो है फुल फेस शेडिंग दिखाया था कि कैसे करना है आपको। तो आज के वीडियो में मैं इसको जो है फुल्ली कंप्लीट करूंगा। तो ये भी ट्यूटोरियल होने जा रहा है, ठीक है, एकदम वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और उन पार्ट्स को आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। और गाइस, इस वाले वीडियो में फुल स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कैसे आपको इस वाले को कंप्लीट करना है। तो वीडियो को देखते रहो, एकदम एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देख सकते हो जो मैं जो यहाँ पर जो लिप्स है, लिप्स को मैं यहाँ पर शेड कर रहा हूँ पहले। ठीक है, तो लिप्स को कैसे करना है, जो स्किन पार्ट्स है मैंने जो है पार्ट टू वीडियो में मैंने दिखा दिया था कि स्किन पार्ट्स को कैसे आपको जो है शेड करना है, वैसे ही हमको इसको भी करना है। ठीक है, जो कि है लेयर वाइज हमको शेडिंग करना है लिप्स को और ईयर्स को। और यहाँ पर लिप्स पे देख सकते हो मैं जो है मेकनो इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ। आप जो है इरेजर को जो है कट करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ईयर्स में भी मैं सेम कर रहा हूँ। पहले जो मतलब HB पेंसिल से मैं जो डार्क एरिया है पहले मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ। उसके बाद सेकंड पेंसिल मैं जो है 4B यूज़ कर रहा हूँ। 4B के बाद जो है 6B यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे ही हमको शेडिंग करते करते जाना है। अभी देखो कि यहाँ पर हेयर्स को मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। हेयर्स के लिए मैं पहले जो इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ किया हूँ, इंडेंटिंग टेक्निक में यहाँ पर मैं जो है खाली सा जो जिसमें जो है इंक नहीं है वो वाला पेन को लेकर यहाँ पर मैं सिंपली चलाया हूँ। उसके बाद HB पेंसिल से जो भी स्ट्रोक्स जहाँ पर गया है फोटो को ऑब्जर्व करते हुए HB पेंसिल का यूज़ किया हूँ। HB पेंसिल को यूज़ करते हुए उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है ब्लेंडिंग ब्रशेस से। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर मैं यहाँ पर देख सकते हो 6B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि आपको स्ट्रोक्स को ध्यान रखना पड़ेगा, फोटो में देखना पड़ेगा कि कहाँ से कौन सा लाइन जो है स्ट्रोक्स गया है। ठीक है, कैसे कैसे स्ट्रोक्स गया है, सीधा गया है, कैसा गया है, स्ट्रोक्स को ध्यान रखते हुए हमको यहाँ पर जो है जो हेयर का शेड को करना है। ठीक है, धीरे धीरे से ऐसे देख सकते हो कैसे मैं शेडिंग कर रहा हूँ। जो हाइलाइट्स है आपको हाइलाइट को छोड़ना पड़ेगा जिससे शाइन आएगा हमारे हेयर्स में। कैसे मैं कर रहा हूँ देखो, इसको आपको जो है पेंसिल को हटना है, आपको शार्प रखना पड़ेगा, एकदम बिल्कुल शार्प रख के आपको करना पड़ेगा। अभी देख सकते हो 6B को मैंने ब्लेंड कर दिया है ब्लेंडिंग ब्रश से। उसके बाद लास्ट में मैं 10B का यूज़ कर रहा हूँ। 10B में भी मैंने जो है यहाँ पर मैंने देखा है कि ऑब्जर्व किया है कहाँ कहाँ पर लाइन कहाँ से गया है, जो हेयर्स वगैरह है कहाँ से निकला है, कहाँ से ऐसे निकला होगा हुआ होगा वैसे मैं दे रहा हूँ। छोटे छोटे हेयर्स के लिए मैं पेंसिल को बहुत ही ज़्यादा शार्प कर लिया हूँ, उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ। और यहाँ पर हाईलाइट के लिए लास्ट में मैंने मेकनो इरेजर का यूज़ किया है। कोई भी जेली रोल पेन वगैरह मैंने इस वाले ड्राइंग में कम यूज़ किया है, नहीं यूज़ किया है। ठीक है, बिल्कुल नहीं यूज़ किया है। और गाइस देख सकते हो कैसे मैं कर रहा हूँ, आप देखते रहो। ठीक है, मैं आगे आपको बताते जाऊँगा। तो यहाँ पर बियर्ड्स के लिए मैं सेम टू सेम जो यहाँ पर मुस्टैच है मैं देख सकते हो यहाँ पर मैं बियर्ड्स में इंडेंटिंग टेक्निक का यूज़ कर रहा हूँ। और सिंपली मैं एक बार
एचबी पेंसिल से मैं यहाँ पर शेडिंग कर ले रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। उसके बाद इसको मैं ब्लेंड कर दूंगा और कहाँ कहाँ से हेयर का स्ट्रोक्स गया है बियर्ड का उसको मैं 6B पेंसिल से करूँगा, ठीक है। बिल्कुल हेयर को जैसे हमने शेडिंग किया है वैसे ही हमको करना पड़ेगा। तो देखते रहो वीडियो को, मैं आगे आपको बताते जाऊँगा, ठीक है। जैसे जैसे मैं हाईलाइट देते रह रहा हूँ, और यहाँ पर हाईलाइट के लिए मैंने जो है ब्रूस्टो का बैटरी इरेजर का यूज़ किया है। आप बैटरी इरेजर का यूज़ नहीं भी कर सकते हो, आप जो है नॉर्मल इरेजर को कट करके भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा कोई भी एसेंशियल कुछ नहीं है कि आपको ऐसे ही जो है टूल्स को यूज़ करना पड़ेगा, बहुत ही एक्सपेंसिव टूल्स को, ठीक है। तो आप नॉर्मली कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पर कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो। तो देख सकते हो मैं यहाँ पर हाईलाइट्स भी दे दिया हूँ, तो कुछ इस टाइप से हमारा जो है जो बियर्ड भी है बन चुका है, ठीक है। तो अभी जो है देखते जाओ वीडियो को। यहाँ पर जो टी शर्ट है हमारा विराट कोहली का, यहाँ पर मैं जो है ज़्यादा ही जो है यहाँ पर ग्रेफाइट पाउडर का मैंने यूज़ किया है। उसके बाद भी मैंने जो यहाँ पर जो है ब्लेंडिंग के लिए यहाँ पर मैं टिशू का यूज़ किया हूँ, ठीक है। टिशू पेपर से यहाँ पर मैं ब्लेंड कर रहा हूँ, देख सकते हो कैसे मैं ब्लेंडिंग को कर रहा हूँ। स्मूथली आपको ब्लेंडिंग करके यहाँ पर सिंपली आपको जो है यहाँ पर मैं जो है नीडेबल इरेजर से यहाँ पर मैं आपका जो है स्मूथ एकदम एक हाईलाइट दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप आशा करता हूँ समझ गए होगे, ठीक है। तो हमारा ड्राइंग जो है अभी जो है ख़त्म होने ही वाला है। आशा करता हूँ ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी प्रॉब्लम रहता है तो मुझे ज़रूर बताना। तो आज के लिए कुछ इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।